तो तक जा रहे हैं सब जने। तैयार है नाली ही देख लो कैसे। ये नाली देखो तुम तो भी गड्ढा नहीं समझ जाओ के कछु करवा। रोजी ना मोटरसाइकिल गिर रही थे भड़ा भड़ा दे देगा रोड ऐसे डायरेक्टर। मेरे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव अंडेला ब्लॉक बिरदा जिला ललितपुर। गांव अंडेला के लोग यहां जो नाली का निर्माण नहीं हुआ है तो हर घर में अपने दरवाजे पर गड्ढे बनाए रखे हैं और उस गड्ढे से पानी लोग नहाते समय इसको एक आधा किलोमीटर की दूरी पर फेंकने के लिए जाते हैं। इन लोगों ने कई सालों से मांग करते आ रहे हैं पर इनके यहाँ की इस नाली का निर्माण नहीं। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इन लोगों को नाली ना होने से किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए हम इन्हीं से मिलाते हैं। पूरे गांव में नाली चाहने हमन हाँ। तो आइए थोड़ा आगे आइए। गुम्मा बिछवा से भी वारे प्रधान जी ने वारे विभाग से पैसा आया वो लगा लो जो ले लो माइक ले लो। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है मुकेश राजपूत। तो आपके यहाँ की नाली का निर्माण क्यों नहीं है? अब आप खुद देख लो जी गड्ढा खुदे हमन के ऐसी परेशानी में पानी फेंकत सपार के जो गड्ढा भर जात फिर यो खाली करत रोजी ना सुया सुया सी मई तक खुदी सबकी दूरी में खुदी। कितनी सालों से परेशान है? जे तो जब से जो रोड बनो जो खेरा जी ने बनवा तो एक ठेकेदार जी है खेरा जी आज 20 साल हो गई कम से कम जब से ने तो की क्रिया सुधरी आई रोड की ना की ऐसी जिंदगी खराब हो गई। हाँ लोगों ने कहीं मांग की है क्या? अबे तक कोई ने पूछी नहीं जा दीदी प्रधान ही नहीं कत्तो के भाई बनवाऊ ने है तो हमन ने कछु ही नहीं की अब की से कह देवे कोई पूछे वाह हतौ नहीं तो सो हमन ने कोई से नहीं कही। लो पिताजी तम बोल लो कछु कछु तम आए होते ऐसे तो खुद नाली पास है स्कूल नो से नरवा में पीढ़ी बनी है। हमारा नाम है हल्का राजपूत। किस तरह की दिक्कतें होती है? हमारी तो सभी दिक्कतें हो रही है ऐसी दिक्कतें हो रही कि जो रोड निकला है तो इस पर नाली नहीं है पानी बह के भीता जाता है मकानों में नाली है नहीं है ऐसे बन बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक नाली बनवा देगी करवाता कोई नहीं है। कई बार इसकी कोशिश करी कहाँ कहाँ शिकायत की है आप लोगों ने? हमने यहीं जब मीटिंग होती वही शिकायत करे बूढ़े आदमी कहाँ जाएंगे शिकायत करवे आप ही आ गए सो आपके साथ में कर रहे शिकायत जा देख लो और क्या कर सकते हैं हम। इसको लेकर के आप लोगों ने कभी प्रधान जी से मांग किया है? खूब मांग करते हैं हेडपम्प के पानी की मांग करते खराब हो जाता है सब यही करवाते हैं सुधरवा देते और कहते हाँ ठीक है करवा देंगे। कई अब इन 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है? अभी हमारी समाज में तो कछु नहीं भाव जो कछु भाव से जो पुरानो चल रहा है और दूसरे प्रधान ने बनवा जो विकास हो है एक एक विकास करो है कि पुराने प्रधान ने कोई ने वो बनवाया होगा पंच भवन सो इसने उसको लेंटर उखाड़ के पड़े घरे गाटर व छत्ती लगाओ और लेंटर वो करता उस पर ये उखर का विकास सो जो उसको हाथों हक के सरकार को हाथों जो हम नहीं जाने जब तुम जानो लेंटर कहा था छत्ती चढ़ी थी जो पुरानी पत्थर की वो निकाल लेगा और गाटर लगे से लेते भी लेगा। अब इसको शिकायत है अब छप दो या कुछ करो हम क्या करें है? अच्छा दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों अपने दरवाजे पर इस तरह से गड्ढे किए हैं और इससे पानी बाल्टियों से भर भर के फेंकते हैं। देखिए यहीं इनका एक छोटा सा दुकान भी लगा हुआ है आप देख रहे हैं हर दरवाजे पर इसी तरह गड्ढे मिलेंगे और यहाँ
पानी का निकास नहीं है, कोई नाली नहीं बनी हुई है। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई नाली का निर्माण नहीं है यहाँ पर।